अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हज़ार नक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम रशियन सैलड बनाएंगे, क्लब सैंडविचेस बनाएंगे चिकन और अंडे के साथ, और हम पहले बनाएंगे पीनट बटर मूस। ठीक है, और बहुत ही आसान रेसिपी है। सबसे पहले हम इसके लिए डेकोरेशन तैयार करेंगे। सो यहाँ मेरे पास चीनी है। चीनी को आप स्टील के पैन में डाल दें या किसी भी पैन में डाल दें, और उसको दानेदार चीनी, उसको आप पिघलने के लिए, गोल्डन होने के लिए छोड़ दीजिए। स्टील लाइन का चूल्हा हम यूज़ कर रहे हैं, बिल्ट इन हॉब। ठीक है, जब ये कैरमलाइज हो जाएगी तो फिर इसमें मैं मूंगफली डाल दूंगी, क्योंकि पीनट बटर है तो पीनट्स हम डालेंगे। अखरोट से भी बना सकते हैं, इसी तरह आप चीकी बनाएं या आप कैरमल शुगर के साथ मूंगफली या वॉलनट्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड। ठीक है, तो ये हम रख देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास क्वार्टर कप दूध है, इसको एक पैन में डाल देंगे, थोड़ा सा ही चाहिए हमें, और इसमें मैं एक चम्मच भर के जेलेटिन का पाउडर डाल दूंगी। ठीक है, इस तरह का, और इसको छोड़ देंगे ब्लूम होने के लिए, यानी जज्ब होने के लिए। जब ये जज्ब हो जाएगा, उसके बाद फिर हम हल्की आंच पे चूल्हा ऑन करेंगे और उसको फिर हम पिघलने देंगे। जकड़ सा जाता है, खुद ब खुद जब गर्म होगा तो ये खुद ब खुद अलग हो जाएगा और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ दो अदद अंडे की सफ़ेदियाँ हैं, उनको हमें अच्छी तरह बीट करना है। बीट हो जाएगा तो फिर हमें यहाँ वाइट चॉकलेट है मेरे पास, मिल्कीज़ की, ये जो आपको नज़र आ रही है वाइट प्रीमियम कंपाउंड चॉकलेट, आगे यहाँ वो मैंने यूज़ की है, और सॉस में हम उनकी डार्क चॉकलेट डालेंगे। सो ये वाइट चॉकलेट को चॉप करके रख दीजिएगा। चॉप हुई होगी तो आसानी से, जल्दी से, आराम से ये पिघल जाएगी हमारे स्टीलाइन के माइक्रोवेव में। आसानी से इसमें पिघल जाएगी। ठीक है, चीनी जब भी आप कैरमलाइज करें तो सिलिकॉन के चमचे, ये वाले जो हमारे स्पैचुलाज हैं ना, ये नहीं इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि फिर इसका कलर बहुत अजीब सा हो जाता है। हमेशा अपने साथ एक वुडन स्पून रखिएगा, वुडन स्पून के साथ फिर चीनी को हिलाइएगा। लेकिन अभी पिघल रही है, अभी इसको पहले हम पिघलने देते हैं। एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह जो सब कुछ है मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अच्छा, और ये हम वनीला एसेंस भी डालेंगे, पीनट बटर फ्लेवर का एसेंस भी मिलता है, अगर हो तो डालिएगा। जब भी आप चॉकलेट माइक्रोवेव में पिघलाएं तो याद रखिएगा कि उसको शॉर्ट बर्स्ट में पिघलाते हैं, इंटरवल्स में। ठीक है, एकदम एक मिनट नहीं, दो मिनट नहीं, चॉकलेट जकड़ सी जाएगी। चॉकलेट को चॉप करके माइक्रोवेव में डालना बहुत ज़रूरी है, एक पूरा ब्लॉक नहीं रख दीजिएगा। इसको निकालिए, इसको देखिए, आपको लगेगा कि चॉकलेट का शेप बरकरार रहा है, ऐसे ही रहेगा जब चॉकलेट पिघलती है। थोड़ी देर बाद आप जब चमचा चलाएंगे तो वो पिघली हुई होगी। ठीक है, सो मैं इसको दोबारा रख देती हूँ, को आप पिघलने दीजिए। मीनवाइल चीनी पे नज़र मारते हैं, देखें चीनी पिघलना शुरू हो गई है। सो इसको इस तरह करते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा सा, वरना फिर बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी तो कड़वाहट उसमें आ जाएगी। माइक्रोवेव ने आवाज़ कर ली, वापस वहाँ जाना पड़ेगा मुझे। दोबारा इसको पिघलने के लिए रख देते हैं। अच्छा जी, तीन चार स्टेप्स हैं इस रेसिपी के, फॉलो करिएगा, आसान है, बनाइएगा। एक रात पहले बना के रख दीजिएगा, उसका सॉस भी बना के रख दीजिएगा, और सर्विंग के टाइम पे आप फिर सॉस ऊपर डालिएगा। मैं तो ऑब्वियसली वेट नहीं कर सकती, आपको सब कुछ एक साथ ही मैं बना के दिखाऊंगी। चीनी जब पिघल रही हो तो और कोई काम नहीं करिएगा। ठीक है, देखिएगा, कीप एन आई ऑन इट। और चूल्हा थोड़ा सा कम कर देते हैं हम, बहुत हल्की आँच कर देते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि इस तरह, ये देखें, जेलेटिन मिक्स हो रहा है इसके अंदर, ब्लूम हो रहा है। इसको छोड़ दीजिए, चूल्हा अभी ऑन नहीं किया है। चीनी जब पिघल जाए पूरी तो आप इसमें मूंगफली शामिल कर दीजिए और चूल्हा इसका बंद कर दीजिए। फिर इसको कहीं भी सेट होने के लिए रख देंगे और फिर इसका चूरा कर देंगे। फूड प्रोसेसर में नहीं डालिएगा, ब्लेड्स ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, चॉकलेट की तरफ, ये देखें, मैंने यहाँ इसलिए रखा है बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू। ये देखें, ये चॉकलेट पिघल रही है, देखा आपने, ये देखा, पिघल चुकी है। ये देखा, अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा, आप तेल ले लीजिए किसी भी चीज़ पे, स्प्रेड कर देते हैं इस तरह, और इसको हम निकाल देते हैं एक प्लेट पे। ठीक है जी,
इसको फिर हम चूरा कर देंगे। हाथ बहुत बचाइएगा, ये बहुत गर्म है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये देखें, ये चॉकलेट हमारी पिघल चुकी है, इसलिए मैंने कहा था कि ज़्यादा पिघलाइएगा नहीं। दिस इज़ रेडी, रेडी टू यूज़। इसी की हीट में इसी को मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, चूल्हा ऑन करेंगे हल्की आंच पे और इसको हम यहाँ छोड़ देंगे। अंडे बीट करेंगे, अंडे की सफ़ेदी बीट करेंगे और उसमें हम थोड़ा सा वेनिला एसेंस डालेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, मैंने इसका चूल्हा इसलिए बंद कर दिया था बिकॉज़ जब भी कोई डिज़र्ट में आप जेलेटिन डालते हैं उसको उबाल नहीं आना चाहिए। अगर वो उबाल आ गया उसमें तो फिर क्या होगा कि आप जो भी डिज़र्ट बना रहे हैं वो सेट नहीं होगा, सेटिंग टाइम उसका ख़त्म हो जाएगा। सो आपने इसमें एक स्पैचुला चलाया इस तरह और जो बड़े बड़े पीसेस हैं जेलेटिन के उनको इस तरह सॉफ्ट होने दीजिएगा। अब बस ये हीट हो गया है, इसका चूल्हा हम बंद करके इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम एक जाली यूज़ करेंगे इस तरह की, छन्नी, ठीक है, उससे हम इसको छानेंगे। तो फिलहाल हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। पीनट बटर मूस अजसा, जेलेटिन एक खाने का चमचा, दूध एक चौथाई कप, कटी वाइट चॉकलेट 360 ग्राम, पीनट बटर 200 ग्राम, अंडे की सफेदी 2 अदद, क्रीम 1 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पीनट ब्रिटल सर्व के लिए 1 कप, चॉकलेट बटर स्कॉच सॉस के लिए, चॉप्ड अनसॉल्टेड बटर 60 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, क्रीम 1/2 कप, चॉप्ड डार्क चॉकलेट 25 ग्राम। जी, वेलकम बैक। अच्छा, अच्छी चॉकलेट, मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने शो पे, जब भी मैं चॉकलेट से काम करती हूँ, एक अच्छी चॉकलेट वो होती है जो जल्दी पिघल जाती है और जो जल्दी सेट भी हो जाती है। मिल्कीज की चॉकलेट इज़ रियली वेरी गुड, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज आई एम यूजिंग इट, मैं यूज़ करती आ रही हूँ कितने अरसे से। वाइट चॉकलेट हो, डार्क हो, मिल्क हो, इनके चॉकलेट चिप्स हैं, इनका जो क्रीम है बेहतरीन है, व्हिपिंग क्रीम हमारा जो विपी विप का है, और ये उनके रॉयल के जो सॉसेज हैं उसके साथ साथ कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, चॉको हेज है, ये देखें ना चॉकलेट को देखें, मैंने एक मिनट भी नहीं पिघलाई थी इसको, आप देखें कितनी अच्छी स्मूथ हो गई है, वरना बाज़ वक्त वाइट कुकिंग चॉकलेट पिघलने में बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, आपके सामने हमने पीनट बटर मूस के लिए जो पीनट की ब्रिटल यानी चीकी, या चीकी नहीं समझे, कैरमल करके, चीनी को कैरमल करके हमने उसको रख दिया है पीनट्स के साथ फ्रिज में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है थोड़ा सा लिक्विड है, 1/4 कप जितना दूध था, 1 चमचा जेलेटिन था, उसको पिघला के मैंने रख दिया है, थोड़ा सा आपको ठंडा करके इस्तेमाल करना है। 2 अदद सफ़ेदियाँ हैं, सफ़ेदियों को मैंने यहाँ बीच करके रख दिया है। अब हर चीज़ हमें मिक्स करनी है, दैट्स इट, ठीक है। सो सबसे पहले मैं एक छन्नी लूँगी, हमेशा जब भी जेलेटिन से मैं काम करती हूँ, आप लोगों को मैंने बताया है कि छन्नी के साथ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी छोटे से पीसेस भी हों जेलेटिन के, वो अंदर जब जले जाते हैं डिज़र्ट में तो जम जाते हैं, तो बहुत अजीब सा एक टेस्ट आ जाता है, सो वी डोंट वॉन्ट दैट, ठीक है। और टेक्स्चर भी बहुत अजीब सा आ जाता है, जैसे वो रबर बैंड नहीं हो, वैसे ऐसे लगता है रबर बैंड खा रहे हैं, रबर बैंड नहीं होता है, जेलेटिन होता है, जैसे करके अंदर पूरा जम जाता है, ठीक है। ये पूरा मैंने इसमें निकाल दिया है, जेलेटिन जितना लिखा है उतना ही इस्तेमाल करिएगा, ज़्यादा करेंगे तो रबड़ी सा टेक्स्चर हो जाएगा आपके डिज़र्ट का। इसी में हम क्रीम भी शामिल कर देंगे और इसी में हम पीनट बटर भी डाल देंगे और सारी चीज़ें रेडी करके हम रख देंगे। इन आर बोल, बोल कहाँ गया, अच्छा यहाँ नीचे है, ये देखिए, ये है हमारी वाइट चॉकलेट मिल्कीज़ फूड वालों की जो पिघला दी थी। जितनी चीज़ें लिखी हैं क्वांटिटीज़ प्लीज़ बेकिंग में, डिज़र्ट्स में याद रखिएगा, कुकिंग में तो कुछ भी, एक आध टमाटर कम ज़्यादा हो गया तो कोई फ़र्क नहीं इतना पड़ता है, लेकिन कुकिंग बेकिंग में ये याद रखिएगा जितना लिखा हो उतना ही। सब हो गया है, हर चीज़ मिक्स कर देते हैं।
पीनट बटर खारा होता है, थोड़ा सॉल्टी होता है ना, तो उसके लिए वाइट चॉकलेट के साथ ये बेस्ट रहता है। ये देखें, पीनट बटर चला गया इसमें। हर चीज़ मिक्स करके एक बोल में निकाल देते हैं। ये बोल है मेरे पास, इसमें इसको निकाल देते हैं। ठीक है, सेट हो जाएगा। इसमें जेलेटिन है और फिर हम सॉस बनाते हैं इसकी, जिसमें डार्क चॉकलेट है। सोचिए इसके ऊपर एक सॉस जाएगी, इतना मज़े का बनेगा। ट्राई करना है आपने। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं कोई फरमाइश, कोई बात करनी हो। और 4 और 5 नवंबर को लाहौर वाले हमारे फैंस एंड व्यूअर्स आई होप आ रहे हैं मसाला फैमिली फेस्टिवल अटेंड करने, एक्सपो सेंटर में जो जौहर टाउन में है लाहौर में। और 2 नवंबर को मेरी शिरीनापा महबूब खान की कुकिंग क्लास है रॉयल स्विस होटल में। आई होप आप लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है और आप लोग सब वहाँ भी आ रहे हैं। चलिए इसको मैं सेट होने के लिए रख देती हूँ फ्रिज में। हाँ यहाँ जगह है ना, मैं फ्रिज में रख दूँ। ठीक है, फिर ये सेट हो जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर जो सॉस जाएगी वो। चलिए अब हम सॉस बना लेते हैं ताकि फिर दूसरी 2 रेसिपीज़ की तरफ भी आ सकें हम। ये यहाँ एक आपने पैन ले लिया, शेफ़ कुकवेयर हम यूज़ कर रहे हैं अपने शोज़ पे। सारे पैन्स और सारे बर्तन जो हैं, ये फर्स्ट कंपनी थी पाकिस्तान में जिन्होंने नॉनस्टिक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी और फूड ग्रेड मटेरियल से बनाया जाता है। पहले कंपनी थी जिन्होंने प्रेशर कुकर भी इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ आपको जो दूसरे 4 अज्जा नज़र आ रहे हैं वो सारे कुछ जाएंगे इसके सॉस में। सो हम डाल देते हैं ब्राउन शुगर, ठीक है, डार्क कुकिंग चॉकलेट मिल्की इसकी, मक्खन और क्रीम। और चूल्हा जला लेते हैं स्टीलाइन का, बिल्ट इन हॉब, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन अवन। 2016 से स्टीलाइन के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में हैं और बड़े शहरों में इनके शोरूम्स भी हैं। steelline.pk के नाम से इनकी वेबसाइट है। बर्नर्स बहुत अच्छे हैं, नॉब्स भी बहुत अच्छे हैं। कांच जो है ये टेम्पर किया गया, 750 डिग्रीज पे कांच है। और ये देखिए मक्खन, क्रीम, डार्क चॉकलेट और ब्राउन शुगर, ये इसका सॉस बनेगा। ये सॉस मूस के ऊपर जाएगा और इस सॉस के ऊपर फिर हम रख देंगे क्रश करके वो पूरी चीकी भी रख सकते हैं आप, पीनट ब्रिटल, या फिर आप ये कैरमलाइज कर दीजिए चीनी, उसमें आप रॉ मूंगफली डाल दीजिए, कच्ची मूंगफली डाल दीजिए और उसके साथ आप उसको डेकोरेट कर दीजिए। सो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, छोटे छोटे रैमेकिन्स में भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी हमारी रशियन सैलड है, जिसमें हमें सब चीज़ों को मिक्स कर देना है और हम उसको सर्व करेंगे क्लब सैंडविचेस के साथ। तो चिकन और बॉयल अंडे के साथ हम बनाएंगे और हम एनेक्स का टोस्टर यूज़ करके ब्रेड के स्लाइसिस को टोस्ट करेंगे आज। चलिए देखिए, हल्की आँच पर इसको चलाइएगा, ठीक है, जब तक ये चल रहा है मैं आपको याद दिलाती चलूँ अबाउट आवर प्रोडक्ट्स एज वेल। सो वी गॉट शेफ कुकवेयर टुडे हमारे शो पे, पाइनियर्स हैं ये, पहला प्रेशर कुकर और नॉन स्टिक टेक्नोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। सारे पैन्स हम यूज़ कर रहे हैं हमारे शो पे वो इन्हीं के हैं, सॉस पैन्स, पैन्स, एवरीथिंग। 2016 से स्टीलाइन के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं कराची, हैदराबाद, सियालकोट, फैसलाबाद में। और steelline.pk इनकी वेबसाइट है, न्यू अरावल के प्रोडक्ट्स आप वहाँ देख सकते हैं। ये देखिए ये भी हो गया, इसका चूल्हा बंद कर दीजिए। मैंने कहा था ना अच्छी चॉकलेट की पहचान ये है, जल्दी ये पिघल भी जाती है, जल्दी ये सेट भी हो जाती है। सो ये देखें, ये देखें पिघल गई,
अब ये सॉस को आप छोटे से बोल में निकाल के फ्रिज में ठंडा करने रख दीजिएगा। जैसे ही पीनट बटर मूस सेट हो जाएगा अच्छा सा, उसके ऊपर ये स्प्रेड करिएगा और उसके ऊपर वो, फिर हम चिकी या क्रंच या जो भी कुछ आपको डालना है। ये देखें, ये हो गया ना। अब इसको मैं किसी चीज़ में निकालूँ क्या जी? कॉलर हैं? अच्छा जी, कॉलर हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं मैडम? मैं ठीक हूँ, आपके सामने जी, फरमाइए। वैसे आपसे बात करने फरमाइश करनी थी आपसे। जी जरूर, बोलिए बोलिए। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और दूसरा, कोई बिरयानी की वैरायटी वगैरह बनाइएगा लाजमी। बिरयानी और ओवन के बगैर पिज्जा। अच्छा ठीक है, ओके, बनाएंगे, आपकी फरमाइश सर, आंखों पर। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसको भी, ये भी गर्म है, इसको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। हर चीज़ अलग अलग कंपोनेंट्स हमारे डिज़र्ट के ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद हम उसको असेंबल करेंगे, फिर हम आते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। अच्छा, हमें ब्रेक तो नहीं लेनी अभी? हाँ, हम लेते हैं ब्रेक, हम क्लीन अप करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। पीनट बटर मूस अजसा, जेलेटिन एक खाने का चम्मच, दूध एक चौथाई कप, कटी वाइट चॉकलेट 360 ग्राम, पीनट बटर 200 ग्राम, अंडे की सफेदी 2 अदद, क्रीम 1 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, पीनट ब्रिटल सर्व के लिए 1 कप, चॉकलेट बटर स्कॉच सॉस के लिए, चॉप्ड अनसॉल्टेड बटर 60 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, क्रीम आधा कप, चॉप्ड डार्क चॉकलेट 25 ग्राम। अब हम बनाने जा रहे हैं क्लब सैंडविचेस, जिसके लिए हमें टोस्टेड ब्रेड चाहिए। तो उसके लिए यहाँ मेरे पास एनिक्स का 2 स्लाइस टोस्टर है, आपने इस तरह आराम से अंदर रख दिया, इसको नीचे कर दीजिएगा। और अगर आपके पास कोई भी फ्रोज़न चीज़ें हैं, जैसे कि वॉफल्स आपने निकाले या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपने फ्रीज़ की हुई हो, वो भी आराम से इसमें हो जाएगी गर्म। ठीक है, अगर आप इस टोस्टर को ऐसे टेढ़ा करके रखेंगे ना, तो पिज़्ज़ा के स्लाइसेस जो बच जाते हैं उसको भी आप रखिए और उसको भी आप टोस्ट कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शंस भी दिए गए हैं, रीहीट और डिफ्रॉस्ट। सो ज़रूर घर लाइएगा ये 2 स्लाइस टोस्टर एनेक्स का, अगर आपको यूज़ करना है। सो सबसे पहले तो हमने यहाँ नमक, काली मिर्चें डाल के, लहसुन डाल के पानी में बॉईल कर दिया था चिकन के 2-3 ब्रेस्ट को, और इस तरह श्रेड कर दिया था। ठीक है, अच्छा, 2-3 अंडे बॉईल करके रख दीजिएगा। फिर मस्टर्ड पेस्ट है, नमक, काली मिर्चें हैं, मक्खन है, मेयोनीज है, और चीज़ के स्लाइसेज हैं, सब कुछ लगाएंगे हम। खीरा और टमाटर के स्लाइसेज है, सलाद के पत्ते हैं, सब कुछ के साथ। किसी ने फरमाइश की थी तो इसलिए मैंने उनके लिए ये 2 स्लाइस टोस्टर एनेक्स का यूज़ करते हुए क्लब सैंडविचेस बनाए हैं। सो वील डू दैट। बहुत ही आसान है, चीज़ के स्लाइसेस हैं, चिकन ब्रेस्ट है, नमक, काली मिर्चें, लहसुन है, और अंडे हैं बॉईल किए हुए, मेयोनीज है, मक्खन है, मस्टर्ड पेस्ट है, मक्खन आप पीला ले लें, सफ़ेद ले लें, व्हाटएवर, टमाटो के स्लाइसेस हैं, खीरे के स्लाइसेस हैं, सलाद के पत्ते हैं, फ्राइज़ और केचप के साथ हम इसको सर्व करेंगे। और फिर इसको हम रशियन सैलड के साथ सर्व कर सकते हैं। 2 आलू बॉईल कर दिए थे मैंने, उसमें गाजर और 1 अदद अंडा बॉईल किया हुआ जाएगा, मेयोनीज़, क्रीम, नमक, काली मिर्चें और सलाद के पत्ते, थोड़ी सी चीनी। सही है, जैसे ही ये ब्रेड के स्लाइसेस टोस्ट होकर निकलेंगे तो फिर हम बस असेंबल करना है हमने, और कुछ भी नहीं करना है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। तब तक मैंने देखा कि हमारा पीनट बटर मूस सेट हो गया है फ्रिज में। ठीक है, वैसे तो जेलेटिन के सारे डिज़र्ट्स 2-3 घंटे में सेट होते हैं, लेकिन आप देखें ये, इसमें इतनी सारी चॉकलेट भी गई थी, बिल्कुल सेट है। अब इसको हम तब तक असेंबल कर देते हैं। मेरे पास जो सॉस है वो थोड़ा सा वार्म है, लेकिन मैं उसको उसके ऊपर डाल देती हूँ अभी। ये देखें, पूरी सॉस आप ऊपर डाल दीजिए, पूरी स्प्रेड कर दीजिए। ठीक है, फिर जब ये सेट हो जाएगा, फिर हम इसके ऊपर वो क्रश करके डाल देंगे जो मैंने बनाया था, मूंगफली और चीनी। तो 2 लेयर्स आपको यहाँ से नज़र आएंगी, नज़र आ रही हैं, 2 लेयर्स हैं, नज़र आ रही है ना? चलिए, जैसे जैसे स्लाइसेस हमारे ब्रेड के टोस्ट होकर निकलते जाएंगे इनेक्स के 2 स्लाइस टोस्टर में से, मैं और भी रख दूंगी, सारे ब्रेड को हमें करना है टोस्ट। ठीक है, फिर हम इसको असेंबल करेंगे, एक ही दफ़ा असेंबल करूंगी, इसलिए पहले सारे टोस्ट बना लेते हैं।
हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई फरमाइश करनी हो। और मैं आपको याद दिलाती चलूं कि शिरीन अनवर, महबूब खान, ज़ारनक सिद्वा यानी मैं आ रहे हैं 2 नवंबर को रॉयल स्विस होटल लाहौर में, 2 तारीख को, ठीक है। और हमारी कुकिंग क्लास है, अगर आपने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया तो जल्दी से करा लीजिएगा। वहाँ होटल में नीचे जाके एक रजिस्ट्रेशन डेस्क होगा, वहाँ जाइएगा। और फिर हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे 4 और 5 नवंबर को, हफ्ता इतवार, अगला जो हफ्ता इतवार है, लाहौर में एक्सपो सेंटर है जौहर टाउन में, वहाँ आइएगा ज़रूर। और वहाँ मसाला फैमिली फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, प्ले एरिया है, पेट्स का एक शो होता है वहाँ, और उसके साथ साथ हम सब की लाइव कुकिंग होगी सैटरडे संडे। और अंदर जो दो हॉल्स हैं उसमें बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, तो वहाँ ज़रूर आइएगा। और रात में ये सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं हमारा सारा काम, उसके बाद कॉन्सर्ट है, तो वो भी मिस नहीं करिएगा, ठीक है। बहुत सारे इस दफ़ा सेलिब्रिटीज़ भी आएंगे, तो ज़रूर आइएगा। और एक कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मैमुना, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह पाक का शुक्र है, आप ठीक हैं? आप जान? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू, फरमाइए। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रहे हैं, येलो के सूट में, येलो कलर के सूट में। थैंक यू जी, बोले। और मैंने आपकी रेसिपी बनाई थी चिकन विंग्स वाली, आज मेरे घर गेस्ट आए थे, मैंने वही रेसिपी आपके वाली बनाई है आज। कल जो बनाई मैंने चिकन विंग्स, वो आपने बना भी ली? अरे वाह, क्या बात है। आज गेस्ट आए थे ना हमारे घर, मैंने कहा वही रेसिपी आपकी बना लूं, सारी चीजें घर में थी, इजी थी रेसिपी, बहुत अच्छी बनी थी। ठीक है, थैंक यू जी, आपने ट्राई किया। और मैंने कल भी आपको कॉल की थी। जी जी जी, थैंक यू, इसी तरह कॉल करते रहिए, रेसिपीज़ देखते रहिए, बनाते रहिए। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का और फीडबैक देने का। बस तो आई एम जस्ट वेटिंग कि हमारे ये टोस्ट होते जाएं और मैं उनको निकालती जाऊं और हम ये बनाते जाएं फिर, ठीक है। एक ही दफ़ा असेंबल करेंगे, इसलिए आई वॉन्ट कि टोस्ट हो जाएँ। मक्खन लगाएँगे, मेयोनीज़ लगाएँगे और फिर उसको स्टैकअप कर देंगे अंडे के साथ। अंडे आप स्लाइस में काटना चाहें स्लाइस में काट लीजिए। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं ज़रा रफ स्लाइसेस काट लेती हूँ, बिकॉज आज मेरे पास वो नहीं है, मेरा जो स्लाइसर होता है, फिर हम इस पर रख देंगे। चॉप भी कर दें आसानी से, आई थिंक मैं चॉप ही कर देती हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी बेटर। वो बेहतर रहेगा, बिकॉज इसमें फिर ये थोड़ा ज़रा कॉर्सली मैश कर देते हैं, नमक काली मिर्चें डाल देते हैं, तब तक ये कर लेते हैं जब तक दूसरी चीज़ें हमारी हो रही हैं, टोस्ट हमारा हो रहा है। और ये याद रखिएगा कि जो क्रंच आप बनाते हैं वो कभी भी किसी भी फूड प्रोसेसर में नहीं डालिए या किसी भी इस तरह के मशीन में नहीं डालिए, वो ब्लेड्स ख़राब हो जाती हैं। तो हावल दस्ते में डाल के उसको कूट लीजिए, या फिर आप उसको सिलिकॉन के मैट पे अगर निकाला हो तो आसानी से आप उसको फिर कर सकते हैं चॉप अप भी। आसमा है जी लाहौर से, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप सुनाएं। हम लोग बस अब आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा जी, आएंगे आप? आप लोग आ रहे हैं लाहौर? अच्छा, आएंगी आप लाहौर हमसे मिलने? आप तो लाहौर में ही रहती हैं, आएंगी आप एक्सपो सेंटर? हाँ जी, मैं हर साल आती हूँ, इंशाल्लाह ताला आप पे जरूर आऊंगी इस साल भी। अब ये बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए, आप अपनी टाइमिंग जरूर शेयर कीजिएगा। टाइमिंग्स मुझे नहीं पता है, लेकिन आपसे मुलाकात 1-2 बजे के बाद हम सब वहाँ होंगे। आपके अंदर जो स्टेज पे टाइमिंग है और बाहर हॉल में भी, अंदर हॉल में भी। हम अगर मैं पूछूंगी तो फिर मैं आपको कैसे बताऊंगी ना, आपने आना है। सुनिए मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको कैसे बताऊंगी ना, तो हम सब वहाँ होंगे 12-1 बजे के बाद, हम सारा स्टाफ हमारा, सारी टीम हमारी वहाँ होगी, अंदर भी और बाहर भी, अलग अलग लोगों के अलग अलग टाइमिंग्स हैं, राइट। जैसे शीरिन आप आएंगी 12 बजे, तो मैं आऊँगी 2 बजे, तो किस कोई और आएगा 3 बजे, इस तरह सबके हैं, ठीक है। हाँ, इस दफा याद रखिएगा, मैंने आपसे मिलना जरूर है, मुझे मिलने नहीं देते आपसे। अब क्या करें जी, अंदर तो मैं सबसे मुलाकात करती हूँ, अंदर जब मैं आती हूँ हॉल में तब तो मैं सबसे मिलती हूँ, सब आते हैं, तस्वीरें भी खिंचवाते हैं, है ना। हाँ जी, रश इतना ज्यादा होता है कि अंदर आते हुए भी बच्चों के साथ में नहीं आ सकती। हाँ, वो तो है। कही थी मैं एक दफा मिस नहीं करूंगी, आप मुझे टाइमिंग जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं अंदर किसी तरह हॉल में मौजूद हूँ जब आपसे मुलाकात हो सके। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अप्लाइंग, ताकि फिर इसका टाइम बच जाए हमारा। मेयोनीज और मक्खन लगाते जाएंगे, ठीक है। ड्राई नहीं होने चाहिए सैंडविचेस, ड्राई सैंडविचेस साइड में से कर्ल अप हो जाता है, ब्रेड अच्छा नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है। एंड तक लगाइए। अब आप मक्खन लगाइए,
सैंडविचेस आप लोग सोचेंगे मैंने क्या ये रेसिपी रखी है, इतनी सिंपल, सबको आता है लेकिन नहीं, सबको नहीं आता है, नहीं आता है। तो इसीलिए किसी ने हमें कहा था कि आप लोग सैंडविचेस बनाना सिखाएं, क्लब सैंडविचेस। मैंने कहा था चलिए इस बहाने हम इनिक्स का टोस्टर भी यूज़ कर लेंगे और सैंडविचेस भी बना लेंगे, क्लब सैंडविचेस, ठीक है। चलिए सारी ब्रेड भी हो जाएगी हमारी, और अब ओके एक रह गया है उसको भी लगा देते हैं। इसको फिर असेंबल करते वक्त आप देख लीजिएगा मैं किस तरह करूंगी इसको असेंबल। ओके सो सबसे पहले चिकन हम लेते हैं। चिकन में मैंने नमक, काली मिर्चें थोड़ी सी और ऊपर से डाली थी बॉईल करते वक्त, हमने लहसुन भी इसमें शामिल किया था ताकि चिकन की स्मेल ना आए, ठीक है। अब आपने चिकन उठाना है और आपने जी सायरा हैं उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, टीवी का वॉल्यूम पहले बंद कर दीजिए प्लीज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, टीवी का वॉल्यूम। शुक्रिया शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? यहाँ मस्टर्ड लगा के ठीक, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ जी, फरमाइए जी, बोले। ड्रॉप हो गई लाइन, ओ हो हो, अच्छा स्लाइस में काट लीजिए या चॉप अप कर लीजिए ऐसे मोटा मोटा अंडे को, ठीक है। और आप इसको इसके ऊपर रख देते हैं और फिर हम एक असेंबल करने के बाद ब्रेक पे जाएंगे, बिकॉज़ आई वांट कि मैं एक तो असेंबल करके हमारे व्यूअर्स को दिखा दूं कि किस तरह हम बना रहे हैं आज क्लब सैंडविचेस। ओके ये है हमारा चीज़ का स्लाइस, उसको हम रख देते हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर आप टमाटर, खीरा वगैरह जो भी रखना चाहते हैं वो रख दीजिए, और ब्रेड के दूसरे स्लाइस के साथ इसको आप कवर कर दीजिए और फिर आप उसको काटेंगे। अभी नहीं, अभी मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से आएंगे तो फिर हम दूसरे भी सैंडविचेस ऐसे ही असेंबल करते जाएंगे। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। क्लब सैंडविचेस अज्जा, चीज स्लाइस हस्पे ज़रूरत, उबले चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, लहसुन 3 चवे, नमक हस्पे जायका, काली मिर्च हस्पे जायका, अंडे 4 अदद, म्यूनीस आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चमचे, मक्खन आधा कप, खीरा स्लाइस 1 अदद, टमाटर स्लाइस 1 अदद, लेटस लीव्स हस्पे ज़रूरत, ब्रेड स्लाइस टोस्टेड हस्पे ज़रूरत, फ्राइज और केचप सर्व के लिए। जी वेलकम बैक, मैं यहाँ सैंडविचेस काट रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, बनाइएगा फ्राइज के साथ, केचप के साथ, फिर सर्व कर दीजिएगा, ठीक है। और सलाद के पत्ते भी रख दीजिएगा, ये टूथपिक हो आपके पास तो टूथपिक को देखें, ये देखा आपने, ये देख लिया ना आप लोगों ने, इस तरह होना चाहिए भरा हुआ पूरा सैंडविच, ठीक है। तो ये इस तरह प्रेस डाउन कर दीजिए और शार्प छुरी लीजिएगा, अगर सेरेटेड ब्रेड नाइफ हो तो क्या ही बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, शार्प छुरी होनी चाहिए ताकि सारे लेयर्स के थ्रू आप आराम से आसानी से काट सकें। इस तरह, ये देखा आपने, क्लब सैंडविचेस बनाना आसान काम है, कोई इतने मुश्किल काम नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि यू नीड ऑल योर इंग्रेडिएंट्स रेडी और झटपट तैयार। अच्छा अब हमें बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज लेस टाइम नाउ, तो मैं डिज़र्ट निकाल देती हूँ। और ये क्रश पूरा कर दिया है हमने पीनट बटर मूस के ऊपर, हमने इस क्रंच को स्प्रेड करना है पूरा, मूँगफली वाला क्रंच, ठीक है जी। ये सेट हो गया है, ये देखें, ये लीजिए आप पूरा, आप साइडों में ऐसे करके डाल दीजिए। ये आपका डिजर्ट रेडी। अब हमें एक बोल चाहिए जिसके अंदर मैं रशियन सैलड की सारी चीज़ें मिक्स कर दूंगी। सो यहाँ बोल, उसमें आपने एक आलू लिया, बॉईल किया हुआ आलू, उसमें आपने आलू डाल दिया, गाजर है, गाजर डाल दीजिए, ठीक है। फिर मटर है, मटर डाल दीजिए, अंडा अगेन चॉप अप कर दीजिए या आपने उसको मोटा मोटा मैश कर देना है, मैश कर दीजिए,
स्लाइस में काटना है, स्लाइस कर दीजिए। आज मैं अपना एक स्लाइसर भूल गई हूँ लाना, तो बस इसलिए हम इसको इस तरह मोटा मोटा काट रहे हैं। वो डाल दीजिए आप अंडा अंदर, फिर आप क्रीम ले लीजिए, क्रीम मिक्स कर दीजिए, उसमें मेयोनीज मिक्स कर दीजिए। ये देखें क्रीम एंड मेयोनीज चला गया। सब चीज़ों को आपने बस मिक्स करना है, ठीक है। फिर आप इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डाल दीजिए, कुटी हुई काली मिर्चें डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करके रेडी करके रख देंगे। दैट्स इट, दैट्स योर रशियन सैलड रेडी, ठीक है। फिर आप इसको सैंडविचेस के साथ सर्व करिए या ऑन इट्स ओन सर्व करिए अलग से। चख लीजिएगा नमक काली मिर्चों के लिए, छोटा सा बोल लीजिए उसमें निकाल दीजिए। दैट्स इट, ईजी ईजी पीजी। आई होप आपको आज की रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। आप देखेंगे हमारा शो रात में रिपीट में 8:30 बजे। अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो आप चीज़ें ट्राई करेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। और अब हम लेते हैं रेसिपी रिकैप का ब्रेक, ताकि जो भी कुछ भी आपने मिस आउट कर दिया हो आज की तीनों रेसिपीज़ में से, वो आप अपनी डायरी में नोट करें और ज़रूर बनाएँ। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज़। क्लब सैंडविचेस अज्जा, चीज स्लाइस हस्पे ज़रूरत, उबले चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, लहसुन 3 चम्मच, नमक हस्पे जायका, काली मिर्च हस्पे जायका, अंडे 4 अदद, म्यूनीस 1/2 कप, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चमचे, मक्खन 1/2 कप, खीरा स्लाइस 1 अदद, टमाटर स्लाइस 1 अदद, लेटस लीव्स हस्पे ज़रूरत, ब्रेड स्लाइस टोस्टेड हस्पे ज़रूरत, फ्राइज और केचप सर्व के लिए। तरकीब, चिकन ब्रेस्ट को लहसुन नमक और काली मिर्च के साथ उबाल लें, उबले अंडों के स्लाइस पर नमक और काली मिर्च छिड़क दें, ब्रेड स्लाइस पर मक्खन लगा के टोस्ट करें, म्यूनीस और मस्टर्ड पेस्ट मिक्स करके ब्रेड स्लाइस पर लगा दें और उन पर स्लाइस अंडे रख दें। अब बटर टोस्ट पर लेटस लीव्स रखें, फिर चीज स्लाइस डालें, टमाटर स्लाइस और खीरा स्लाइस रख दें, ऊपर चिकन डालें, म्यूनीस और मस्टर्ड पेस्ट से ब्रेड स्लाइस कवर करें, अब इन्हें ट्राइंगल स्लाइस में गाँट के टूथपिक लगा दें, फ्राइज और केचप के साथ सर्व कर दें। पीनट बटर मूस अज्जा, जेलेटिन 1 खाने का चमचा, दूध 1/4 कप, कटी वाइट चॉकलेट 360 ग्राम, पीनट बटर 200 ग्राम, अंडे की सफ़ेदी 2 अदद, क्रीम 1 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पीनट ब्रिटल सर्व के लिए 1 कप, चॉकलेट बटर स्कॉच सॉस के लिए, चॉप्ड अनसॉल्टेड बटर 60 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, क्रीम 1/2 कप, चॉप्ड डार्क चॉकलेट 25 ग्राम। तरकीब, जेलेटिन को 1/4 कप दूध में भिगोकर पकाएं, उबाल आ जाए तो उसमें पिघली चॉकलेट और पीनट बटर मिलाकर बीट करें कि वो स्मूथ हो जाए, फिर अंडे की सफ़ेदी डालकर बीट कर लें। अब क्रीम और वनीला एसेंस शामिल करके मिक्स करें कि वो यकजान हो जाए। मिक्सचर को सर्विंग डिशेस में बराबर का तकसीम करके 6 घंटे या रात भर ठंडा कर लें कि वह सेट हो जाए। बटर स्कॉच सॉस बनाने के लिए सॉस पैन में मक्खन और चीनी को गर्म करके स्टर करें कि चीनी हल हो जाए। अब क्रीम शामिल करके 5 मिनट एक उबाल दें या जब तक कि वो गाढ़ा हो जाए, फिर चॉकलेट स्टर करके उबालें कि वो मेल्ट और स्मूथ हो जाए। रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें, फिर ठंडा बटर स्कॉच मूस पर डालें, ऊपर पीनट ब्रिटल रखकर सर्व कर दें। रशियन सैलड अज्जा, उबले आलू 2 अदद, उबले मटर 1/2 कप, कटी गाजर 2 अदद, उबला अंडा 1 अदद, म्यूनीस 4 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/2 चाय का चमचा, कस्टर्ड शुगर 1 चाय का चमचा, सलाद पत्ते गार्निश के लिए। तरकीब, एक बोल में मिक्स सब्जियां, नमक, काली मिर्च, कस्टर्ड शुगर, म्यूनीस और फ्रेश क्रीम एक साथ मिक्स करें, अब इन्हें सलाद पत्तों पर रखकर उबले अंडे से गार्निश कर दें। ये नज़र आ रहा है ना, देखें पीनट बटर मूस है, फिर वह चॉकलेट का सॉस है, फिर उसके ऊपर हमने क्रंच रखी हुई है और थोड़ी सी मूँगफलियाँ अगर भून के आप बीच में रख दें तो क्या ही बात है। पीनट बटर मूस हमारा रेडी है, बिल्कुल सेट है, ट्राई करिएगा। इसमें हमने वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल किया है मिल्कीज़ का और ऊपर सॉस में हमने डार्क चॉकलेट यूज़ की है, वो भी उन्हीं की है। और मैंने बहुत ही आसान तरीन मज़ेदार से हेल्दी से सैंडविचेस बनाना सिखाए हैं। क्लब सैंडविचेस हैं, चिकन के साथ, बॉयल्ड एग के साथ, सब्जियां हैं, रशियन सैलड उसके साथ सर्व करिए, फ्राइज़ या केचप रख दीजिए, कोई भी सॉस रख दीजिए, कुछ नहीं भी हो ना घर में सॉस, थोड़ा सा मेयोनीज़, थोड़ा सा केचप मिक्स करके एक सॉस बना लीजिए। ट्राई करिएगा सारी रेसिपीज़। रात में 8:30 बजे हमारा शो रिपीट होता है, कल पीर है, मंडे है, तो कल 3:30 बजे स्कूप्स ऑफ जॉय यानी मेरा आइसक्रीम का शो आएगा जो हफ्ते में एक दफ़ा आता है, पीर को ओनली, मंडे को, ठीक है। तो देखना मत भूलिएगा, मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैंने तैयार की हैं, कोई आइसक्रीम का कोई फैंसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया है, घर में आसानी से बन जाती हैं, लोगों ने ट्राई की है, मुझे फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, थैंक यू सो मच।
तो चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। लाहौर वालों रेडी हो, हम लोग आ रहे हैं 4 और 5 नवंबर हफ्ता इतवार टू लाहौर। तो मुलाकात करिएगा, आइएगा ज़रूर। और मुझे पता है सिर्फ लाहौर से लोग नहीं आते हैं, गिर्दोनवा के दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी, आपके लिए तो 2 दिन की छुट्टी हो गई, पिकनिक हो गई, तो ज़रूर मुलाकात करिएगा। और अगर हमारे कोई कॉलर्स हों तो नाम से मुझे कहिएगा, फिर आई कैन कीप अ फेस टू द नेम कि चलो ये है हमारे कॉलर्स जो हमें मिलने आए थे एक्सपो पर। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा Masala to your life.